मुजफ्फरनगर से हैं अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। हकीम जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशोक। और खैरियत से हो? सब बढ़िया है, आप बताएं भाई। भाई मेरे चार सवाल है, मेहरबानी करके बता दीजिएगा जरा। फरमाइए जी। एक तो आपने मेरी वाइफ को गठिया है, तो आपने अलसी और काला गोंद मंगाया था, वो बताया था। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज मंगा ली, काला गोंद तो शुरू कर दिया और अलसी भी शुरू करी थी, अलसी से कब्ज हो जाता है। अच्छा, अलसी कम ले लें, थोड़ी कम ले लें बस, और... या कोई और, या कुछ और मिलावे उसमें? हाँ, अलसी में आप धनिया और सॉल्ट मिला सकते हैं बराबर की, इससे कब्ज फिर नहीं होगा। आप इस अच्छा। तरह दें। कितने दिन हो गए खाते हुए? मुझे वो 10 दिन हो गए, वैसे आराम है काले गोंद से। हाँ नहीं, बहुत अच्छा नुस्खा है, कोई भी दवा लेनी पड़े आप लीजिए, कब्ज मत होने दीजिए, चाहे एलोपैथिक लीजिए। आप पर काम करना शुरू कर दिया है, इसको छोड़ना नहीं, पेट ठीक है। काले गोंद से ही आराम होना शुरू हो गया, लेकिन अलसी बंद कर दी मैंने, इसलिए कब्ज हो जाता है। ठीक है ठीक है, आपको कब्ज की दवा भी लेनी पड़े अपने डॉक्टर से तो ले सकते हैं। और कौन सा सवाल है? ये है कि मेरी वाइफ को गर्मियों में छींक आती है बहुत सारी। ठीक है, छींक आती है बहुत ज्यादा, और डॉक्टरों को दिखलाया, उन्होंने कहा कि धूल से, खुशबू से, और ये जो हवा चलती है जब गेहूं कटते हैं तो उनकी वजह से छींक आती है, एलर्जी बताई मुझे एलर्जी। ठीक है, तीसरा सवाल? तीसरा सवाल ये है कि मैं 73 साल का हूँ, 50 साल से मुझे तो एक परेशानी है। बताइए। पेट में भूख लगी रहती है हर वक्त। अच्छा, और कब्ज रहता है। ठीक है ठीक है। और सिर में भारीपन रहता है। ठीक है, चौथा सवाल बताइए। हैं जी, चौथा सवाल बताइए। चौथा सवाल यह है कि मेरी उम्र 72 साल है, मुझे कोई और बीमारी नहीं है, खुदा के लिए कोई ऐसी दवाई बता दीजिएगा जो इंतकाल मेरा बगैर बीमारी के हो। खुश रहिए हमेशा, भगवान आपकी सुरक्षा करे, आपकी पत्नी को भी अच्छा करना शुरू कर दिया। एक तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपसे निवेदन है कि जिनको भी भगवान फायदा दे वो हमारे साथ जुड़े रहें, और जिस दवा से आपको फ़ायदा हो उसका अपने सारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में प्रचार करना है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी पत्नी अच्छी होने वाली है पूरी तरह, मेरी दुआ भी है और आपके पास दवा भी है, गौंसिया से उनको फ़ायदा शुरू हो गया। आपके लिए एक नुस्खा है, देखिए, धनिया 200 ग्राम धनिया 200 ग्राम मेथी 100 ग्राम इसका पाउडर बना के रख लें, और एक आता है नमक जैतून, असली लेना है, नकली बहुत मिलता है मुजफ्फरनगर वालों, बहुत लोग नकली देते हैं, आप समझ भी गए होंगे कितना नकली देते हैं, तो नमक जैतून असली लेना, और ये उसकी तो पहचान है ही आपको, तो मेथी और धनिया की, मेथी 100 ग्राम धनिया 200 ग्राम और 100 ग्राम नमक जैतून लेके अलग से रखें, ये पाउडर एक चम्मच लें और एक चुटकी या दो चुटकी नमक जैतून इसे मिला के रोज़ एक बार खाएं, ज़रूरत पड़े दो बार भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक ही बार काफ़ी है। बस आप ये खाते रहिए, ये नुस्खा ख़त्म कर लीजिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है, और अगर पेट हमने ठीक कर लिया अपना तो बीमारियां कोसों दूर रहती हैं, पेट ही तो माँ है बीमारियों की, इसे अच्छा कर लीजिए। और ये नुस्खा अपने पत्नी को भी दे सकते हैं आप, जो कब्ज हो रहा है ना, तो उन्हें भी एक खुराक दिन में दे देंगे तो उनका ये पेट का रोग भी ठीक होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? छींकें बहुत आती हैं धर्मपत्नी। हाँ, छींकों का 5-6 महीने आपको दवा अगर कर सकते हैं तो इसके लिए प्रोडक्ट भी होते हैं यूनानी में, बनी बनाई दवाएं भी होती है। एक नुस्खा जो बहुत प्रचलित है, मैं सबको बताता हूँ, सपिस्तान उन्नाब अलसी,
सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम खरीद कर लें। और किचन में हमारे पीपलें होती हैं, पीपला मूल भी कहते हैं, पीपलें, ये आप 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच, छोटा चाय का चम्मच भर के सुबह ही खिला दिया करें, नाश्ते से भी पहले, खाली पेट निहार मुँह, और एक चम्मच रात को, और गर्म पानी से देना है। ऐसे आदमी को दूध नुकसान करता है, और 5-6 महीने देना है, उनके अंदर इम्यूनिटी भी पैदा हो जाएगी तो वो अच्छी हो सकती है।